Welcome to our YouTube channel Study 24 by 7 with some splendid learning concepts. Subscribe now and hit the bell icon and never miss the latest updates. Good morning and hello everybody. Welcome in one of Jawaraya's platform. Uh, PT और mains के 2021 में जो प्रमुख टॉपिक्स हैं उसके ऊपर जो हम लोग बातचीत करते हैं उसी की संकला कड़ी में ये अगला टॉपिक है। हमारा टॉपिक है संविधान और राजव्यवस्था Constitution and Political System। तो पीटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वो जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ने पिछले एक साल में जो भी मेजर इंसिडेंट हुए हैं जो भी प्रमुख घटनाएं घटी हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं चुनाव सुधार का मुद्दा लगातार एक साल तक चर्चे में रहा तो इलेक्शन रिफॉर्म एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है ठीक है हमने दस टॉपिक्स निकाले हैं और हर टॉपिक से पांच टॉपिक्स को गेस किया है मतलब कुल पॉलिटिकल सिस्टम में पचास टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इस बार मेंस में प्रश्न बन सकते हैं चाहे वो आई लेवल हो या पीसीएस लेवल में मतलब बीपीएससी और यूपी में तो इलेक्शन रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको ओवरऑल तो जानना ही है उसके अलावा अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है तीसरा है चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म की कुछ कोशिश की है और उसके ऊपर कुछ अपनी रिपोर्ट्स दी हैं ध्यान रखिएगा इस बार आईएस में अब वो दिन गए जब पूछते हैं किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के वर्णन है अब आपसे पहले एक क्वेश्चन में इलेक्शन कमीशन पूछेंगे दूसरे क्वेश्चन में इलेक्शन कमीशन का एक्टिविटी पूछेंगे तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे अभी प्रेजेंट सीनेरियों क्या चल रहा है और चौथे में आपका अपना कोई पर्टिकुलरि स्पेशलिस्ट का रिपोर्ट कहने का मतलब है एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन रहते हैं और पता ही नहीं चलता कहां पॉलिटिक्स शुरू हो रहा है कहां करंट अफेयर शुरू हो रहा है कहां आपकी अपनी आइडियोलॉजी या डिसीजन मेकिंग चल रहा है फिर उसके बाद क्रिमलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति के अपराधिकरण को लेके एडीआर की रिपोर्ट आई एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट करके है अब उसमें बिहार और यूपी की अलग से रिपोर्ट आई है फिर बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ उसका एनालिसिस है एक इसी में राइट टू रिकॉल की भी प्रोविजन किया गया हरियाणा में और या फिर सेंट्रल और स्टेट को एक साथ मिलाकर के चुनाव कराने की बात की जा रही है तो ये छह से सात टॉपिक हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं और इन सबके ऊपर आपको एक ओवरव्यू तैयार करना होगा ओवरव्यू का मतलब यहां पर आ, मेरे कहने का मतलब है ओवरव्यू का मतलब आपको तैयार करना होगा क्या तैयार करना होगा कि आ, क्या व्यू रहा है जैसे एक साथ चुनाव कराए जाए या सेंट्रल और स्टेट में उनका क्या रहा है ठीक है या फिर राइट टू रिकॉल का क्या प्रोविजन है उसके बारे में या फिर इलेक्शन कमीशन ने जो एक रिफॉर्म की बात कही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से उसके बारे में तो ये आपका पीटी और मेंस दोनों का एक सिलेबस होगा और इसके बारे में आपको जानना है दूसरा अब बात आत आते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में केंद्र और राज्य के संबंध मोदीवाद का दौर चल रहा है तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो पढ़ना ही है जो तीन पार्ट हैं उनके बारे में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में जानना है जीएसटी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है केरल और आपके पंजाब ने मोदी सरकार के ऊपर कमेंट या केस ठोक दिया है कि जीएसटी को लेकर के ये, ये चीजें हो रही हैं तो वो सब तो आपको जानना ही है कहने का मतलब है पहला पोर्शन पीटी का रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से दूसरा करंट अफेयर से जोड़ देगा कि जीएसटी को लेकर के ये ये हो रहा है तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जोड़ देगा और चौथा आपकी अपनी बुद्धि से तो सवाल अब ऐसे बन रहा है ये पीटी का होगा मेंस की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट में आजकल जोर पड़ रहा है राष्ट्रवाद का ममता दीदी का आज का स्टेटमेंट देख लीजिए कुछ दिन पहले नीतीश बाबू का देख लीजिए अखिलेश बाबू का देख लीजिए तो एक छोटा सा सवाल बनेगा पहला उत्तर प्रदेश को लेकर के देखते हैं वट इज द रिलेशन बिटवीन नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म अब ये केंद्र और राज्य का संबंध है या फिर ये कह सकते हैं मोदी दौर और अखिलेश बाबू के दौर में उत्तर प्रदेश कहां है तो ऐसे नहीं पूछेंगे पूछेंगे राष्ट्रवाद और समाजवाद के बारे में अपने विचार व्यक्त करें केंद्र और राज्य के संबंधों में ये दोनों आइडियोलॉजी कहां है तो ये क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं मोदी में और समाजवादी पार्टी का क्या उत्तर प्रदेश पर प्रभाव रहा है अब बिहार में आते हैं नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस क्या है इसी से तो निकले हैं लालू प्रसाद और रामविलास पासवान और नीतीश कुमार तो ये थोड़े पूछेंगे नीतीश और आ, क्या नाम है लालू प्रसाद जी के पुत्रों के बीच में बिहार का क्या स्थिति है ये पूछेंगे क्या कि नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस में क्या रिलेशन है और बिहार के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को डिफाइन करिए या केंद्र और राज्यों के संबंधों को देखते हुए राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के दौर में बिहार कैसे गुजर रहा है इसके लिए आप तैयार रहिए या फिर सेंट्रल की जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है उससे रीजनल पॉलिटिक्स और ऑपोजिशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जाननी है क्या जानना है कि सेंट्रल और स्टेट में जो भी चल रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानना होगा कि सेंट्रल का नेशनलिज्म आइडियोलॉजी रीजनल पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्टेड कर रहा है या ऑपोजिशन कैसे इफेक्टेड हो रहा है ठीक उसी तरह रीजनल पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म का कोरिलेशन इनफैक्ट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जितने भी रीजनल पार्टियां हैं चाहे वो आप केजरीवाल को देख लें अखिलेश बाबू को देख लें या फिर वो लालू जी के जो बड़े सुपुत्र हैं उनका नाम तेजस्वी बाबू को देख लें सबके सब सेकुलरिज्म के, के एजेंडेदार हैं तो आइडियोलॉजी ऑफ सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म इनका क्या रोलेशन और इससे कैसे इफेक्टेड हो रहा है तो ये है फिर उसके बाद से सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और जो कमेटियों की रिपोर्ट है ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने फिर एक शब्द और आया कॉपरेटिव फेडरलिज्म अब कॉपरेटिव फेडरलिज्म मोदी जी ने ये शब्द खूब प्रयोग किया है कि आज केंद्र और राज्य दोनों सहकारी संघवाद के दौर पे पर उसमें फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी मतलब कॉपरेटिव फेडरलिज्म नेशनलिज्म से कैसे इफेक्टेड हो रहा है एक और बात हो रही है कि देश में इंदिरा गांधी का दौर पुनः वापस आ गया है या सेंट्रलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है और रिजनलिटी से इनका क्या रिलेशन है कल ही दो दिन पहले राहुल बाबा अपने राहुल गांधी पप्पू मिया जो भी है उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका सरकार इसमें इंटरफेरेंस करे और क्यों क्योंकि हर जगह सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है और मोदी सरकार हर जगह पर अपने आदमियों को बैठा रही अब ये थोड़े पूछेगा कि राहुल बाबा ने अमेरिकी सरकार से जो बातें कही हैं आप उससे अपने विचारधारा दें नहीं वो पूछेंगे क्या कि सेंट्रलाइजेशन रिजनलिटी पर कैसे इफेक्ट डाल रहा है कमेंट करिए तो आपको डालना होगा और फिर परिसीमन की बात की जा रही है मतलब लद्दाख में जम्मू कश्मीर में उन सारी बात हो रही है और एक साथ चुनाव कराने की भी बात करें तो कुल मिलाकर के अगर अगर आप देखते हैं तो सेंट्रल और स्टेट के पॉलिटिक्स तो आपको पढ़ने ही है इधर के लगातार एक साल में जो कुछ कवरेज हुआ है वो है नेशनलिज्म वर्सेस सोशलिज्म यूपी नेशनलिज्म वर्सेस सोशल जस्टिस बिहार पीसीएस नेशनलिज्म इन सेंट्रल पॉलिटिक्स आई इम्पैक्ट ऑन रीजनल पॉलिटिक्स एंड ऑपोजिशन आयस रीजनल पॉलिटिक्स एंड सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म को रिलेशन ये भी आयस सेंट्रल स्टेट रिलेशन जितने भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड रिपोर्ट है स्पेशली आईएस पीटी को ऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद एंड नेशनलिज्म ये भी आयस सेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलिटी के बीच में को रिलेशन ये भी आयेस और परिसीमन आयो कहने का मतलब है पीटी में तो आपको जो भी फैक्ट हैं पॉलिटी के वो तो पढ़ने ही होंगे और इतनी सारी चीजों को जोड़ करके आपके आईएएस में पीटी के सवाल बनेंगे और स्टेट में तो सीधे, सीधे सीधे सवाल बनते हैं कि केंद्र और राज्य संबंध कहाँ है कैसे है चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो देखिए प्रश्न अगर टफ रहे तो ज्यादा बेहतर है ईजी रहे तो वहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है और मेरिट चढ़ जाता है ठीक है तो इतने सारे टॉपिक्स हैं सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में तीसरे टॉपिक्स को देखते हैं दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ इसके ऊपर है बस प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है और स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट हो रहा है पलटू चाचा नाम सुने ही होंगे तेजस्वी बाबू ने नीतीश बाबू को लेकर के बोला है या बहन जी आया राम गया राम सपा बसपा एक बार नारा भी चला था मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम वो दौर फिर आया समाजवादी पार्टी सपा बसपा का गठबंधन हुआ टूट गया फिर बात हो रही है इसमें भी सारी बातचीत हो रही है फिर पता चला बसपा के कुछ विधायक टूट के जा रहे हैं, आ रहे हैं तो लगभग एक साल में रहा आपको बस चर्चे में रहा आपको बस जानना है कि डिफिक्शन लॉ क्या है कब बना कैसे बना क्या मेजर चेंजेज हैं, और गोवा में मध्य प्रदेश में और दो तीन राज्यों में जो चला और जो गवर्नर का रोल डिस्प्यूटेड हुआ उसके बारे में आपको जानना हो क्योंकि पीटी में जो सवाल बनेंगे वो पॉलिटी से भी जुड़े हुए बनेंगे और करंट अफेयर से जोड़ के बनेंगे अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए है वो है डेमोक्रेसी एंड मीडिया दो शब्द सुने होंगे गोदी मीडिया सेकुलर मीडिया कम्यूनल मीडिया मीडिया मैनेजमेंट या फिर प्रतिबद्ध मीडिया ये चार पांच शब्द हैं जो लगातार चर्चे हैं हालांकि ये मेंस का टॉपिक है पीटी में यहां से कम सवाल बनेंगे लेकिन जो क्वेश्चन आई में बन रहे हैं खासकर डिसीजन मेकिंग वगैरह में वहां से सवाल बन रहे हैं क्या होगा तो रोल ऑफ मीडिया एंड रिलेशन ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी प्रेजेंट सीनेरियो पूछ लेंगे फिर एक पूछ रहे हैं मीडिया का क्या डेंजरस इम्पैक्ट पड़ सकता है डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस में मीडिया की भूमिका या फिर डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का रोल फेक न्यूज या एट प्रेजेंट भारत में इनको लेकर के क्या सुधार किया जा सकता है अब रविशंकर प्रसाद जी हैं बिहार से हैं उन्होंने कई बातें बोली है तो इसके ऊपर आपको फोकस रखना होगा फेसबुक को भी कान पकड़ने करके मोड़ने की बात हो रही है व्हाट्सएप को भी कंट्रोल करने की बात कर रही है मीडिया को आ, कंट्रोल बायस न्यूज न दिखाएं उसके ऊपर बात हो रही है मरकज के मामले में आपने देखा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा क्या हुआ तो बस अब पीटी में सवाल कैसे बनेंगे कि मीडिया कैसे कंट्रोल होता है एक्ट के पूछेंगे आईटी एक्ट पूछ सकते हैं या मीडिया को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनसे सवाल पूछेंगे और मेंस में यही सात आठ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको अपने आइडियोलॉजी बनानी होगी पिछले साल आई के एस का पेपर देखेंगे तो उसमें साफ पूछा था पक्षपात पूर्ण मीडिया के आसम खतरे यूपी में भी पूछा जा चुका है और मेंस में तो दर्जनों बार पूछा चुका है पूरी संभावना है कि इस साल के यूपी और बिहार के और आई के मेंस में कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर बनेगा फिर जुडिशरी हमेशा से इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोक अदालतें वगैरह वगैरह जागो ग्राहक जागो ये सब तो आपको पढ़ना है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है क्या है कैसे है किस तरह इसके अलावा जुडिशरी में जो रिविजन और एक्टिविज्म मतलब पुनरीक्षण और सक्रियतावाद का एक को रिलेशन है वो पूछ सकते हैं या फिर इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या रिफॉर्म की बात की रही है और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन हमेशा की तरह इस पर भी प्रश्न बन सकता है और जो प्रशांत भूषण पर एक रूपये का फाइन लगा ये हुआ वो हुआ तो ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको एक ओवर व्यू बनाना होगा पीटी लेवल पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को लेके प्रोविजन है वो तो तैयार करना ही होगा और जैसे न्यायपालिका की अवमानना उससे जोड़ के प्रश्न पूछ देंगे या जुडिशरी कमीशन से जोड़ के पूछ देंगे या जुडिशियल एक्टिविटी जोड़ करके पूछ देंगे तो अब जो आई पीटी का जो सवाल आएगा वो इसी पर है स्टेट लेवल पर भी फैक्चुअल के अलावा मेन्स लेवल पर ये सारे एस्पेक्ट पर आपको ध्यान देना होगा फिर एक और है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी का मतलब राजनीति में जो विचारधारा होती है उसको लेकर के सवाल कैसे बन सकते हैं तो कुछ शब्द आपने सुने होंगे अर्बन नक्सल सांप्रदायिक ताकते हैं समाजवादी ताकते है, धर्मनिरपेक्ष ताकते ऐसे तो ये क्या है तो राजनीति में समय समय पर शब्द गढ़े जाते हैं उनका अपना पॉजिटिव और इम्पैक्ट होता है जैसे नाजीवाद समाजवाद एक समय के बाद पता लगता है कि ये सही है या गलत तो आपको जानना है क्या जानना है राजनीति में कास्ट का रोल क्या है बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है और हर साल आता है अब तो आई में भी पूछा जा रहा है और यूपी में आप तैयार हो जाइए कि अगला सवाल यूपी में मेन्स में यही रहेगा फिर सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या नेशनलिज्म वर्सेस सोशलिज्म हालांकि हमने ये डिस्कस कर चुका है फिर आप इस पर डिस्कस करिए फिर आते हैं सेकुलरिज्म वर्सेस नेशनलिज्म क्या आप सहमत हैं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा ने सेकुलरिज्म को इफेक्टेड किया है या सेकुलरिज्म महज एक पॉलिटिकल स्टंट है क्या आप सहमत हैं कि सेकुलरिज्म तुष्टिकरण का दूसरा नाम है कमेंट करिए अगर आपने इस पर अपना ओवरव्यू तैयार नहीं किया तो आपको फंसना ही फंसना है फिर ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस अर्बन नक्सल ये दो शब्द हैं जो तैयार रखिए कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है क्या यह सचमुच भारत को चैलेंज दे रहा है या फिर इसके इंपैक्ट के बारे में बात करें ठीक उसी तरह अर्बन नक्सल सीधा सा पूछेंगे अर्बन नक्सल से क्या समझते हैं आईएस में पूछे जा चुके हैं और इसके बारे में टिप्पणी करें आई लेवल पर ज्यादा से ज्यादा सौ या 150 शब्दों में इस तरह के सवाल पूछेंगे और स्टेट लेवल पर 250 से लेकर के 350 या 300 तक भी सवाल पूछे जा सकते हैं कहने का मतलब है आइडियोलॉजी एनसीईआरटी के इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की किताब को अगर आप देखते हैं तो उसमें आइडियोलॉजी आती है उसमें धर्म परिपेक्षता राष्ट्रवाद क्षेत्रीयता एकता और अखंडता ठीक है इस तरह के शब्द गढ़े जाते हैं जैसे आज कौन सा शब्द गढ़ा गया आज शब्द गढ़ा गया है राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद के अलावा सोशलिज्म समाजवाद सेक्युलरिज्म पंतनिरपेक्षता यूनिटी से लेकर के एकता और अखंडता इस तरह के शब्द गढ़े गए इंदिरा गांधी ने नारा दिया देश खतरे में है आज मोदी जी फिर वही नारा दे रहे हैं देश खतरे में है तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो अगर आप इस पूरे इम्पैक्ट के ऊपर एक अपना एनालिटिकल व्यू नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो मेंस का उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे यूपी में देने जा रहे हैं तो समाजवाद से टैली करिए बिहार में देने जा रहे हैं तो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस से टैली करिए सीधे पूछेंगे कि मोदी के आने के बाद से नीतीश बाबू लगातार नीचे जा रहे हैं मोदी की पार्टी ऊपर उठ रही है तो ये थोड़े पूछेंगे कि मोदी के आने के बाद से बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा नहीं पूछेंगे कि राष्ट्रवाद ने सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को कैसे इफेक्टेड किया है इलेक्शन 2020 के रिजल्ट को देख के एनालिसिस करें अगर आपने पहले से इसको तैयार नहीं किया तो आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे ठीक उसी तरह नेशनलिज्म उत्तर प्रदेश सोशलिज्म को कैसे इफेक्टेड कर रहा है या नेशनलिज्म बहुजन समाज जो दलित चेतना है या दलित राष्ट्रीय है या दलित राजनीति है उसको कैसे इफेक्टेड कर रहा है तो इसके बारे में आपको ओवरव्यू तैयार करना ही करना होगा क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर हैं जितने भी मैगजीन हैं उसमें सब में यही आर्टिकल आ रहे हैं अगर आपने इन आर्टिकल को ऑब्जॉर्व नहीं किया आर्टिकल को समझा नहीं या आइडियोलॉजी को समझा नहीं तो फिर मेन्स के उत्तर आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे फिर माइनॉरिटीज चार पांच साल से चल नहीं चल रहा है तीन दिन पहले न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई कि माइनॉरिटीज है कौन इसको आइडेंटिफाई करिए आठ राज्यों में हिंदू माइनॉरिटीज में इसको आइडेंटिफाई करिए यूएन की रिपोर्ट आई कि, कि किसी भी देश में अगर पांच परसेंट से पॉपुलेशन कम है वो अल्पसंख्यक है भारत में सारा का सारा डिस्कशन या लफड़ा या विवाद जो भी है वो मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के भारत में पहले भी चल रहा था अभी भी है कैसे सवाल बन सकते हैं ध्यान दीजिए इंडियन पॉलिटिक्स में माइनोरिटिज्म का क्या रोल है कमेंट करिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है उसके ऊपर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में माइनोरिटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोविजन रखेगा कमेंट करिए या फिर नागरिकता कानून मतलब सी ए ए तीन तलाक और जो कन्वर्जन पॉलिसी बनी है या कॉमन सिविल कोड है उसका क्या असर पड़ रहा है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ने योगी बाबा ने बना दिया प्रदेश ने भी बना दिया और गुजरात ने भी बना दिया अगर आपने इसके ऊपर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की तो फिर आप मेंस का उत्तर कभी लिख ही नहीं पाएंगे फिर इधर आ जाइए क्या कि माइनॉरिटीज ने इंडिया के पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्टेड किया है मतलब अल्पसंख्यक धर्म निरपेक्ष राजनीति का को ठीक राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कहां है या फिर मोदी की नीति में भारत के मुस्लिम कहां है सीधा सा यही सवाल है या कि स्टेट की पॉलिटिक्स में बिहार और यूपी में माइनोरिटिज्म कहां है ध्यान रखिएगा सवाल वही बनते हैं जिससे हमारा देश प्रभावित हो रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की सबसे बड़ी यही खूबी है कि अगर आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप है अगर आपके पास बैलेंस अप्रोच है तो आप एक या दो अटेम्प्ट में सीधे ऊपर पहुंचते हैं लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है सोसाइटी को देखने का एक अपना नजरिया नहीं है घटनाओं को ऑब्जॉर्व करने की एक अपनी क्षमता आपको नहीं है सही और गलत की पहचान नहीं है तो फिर आप मीन के उत्तर कभी नहीं लिख पाएंगे और जो भी लिखते हैं सबसे ज्यादा इसमें ड्रॉबैक देखा जाता है हिंदी स्टेट्स के स्टूडेंट्स में स में तो पॉलिटिक्स पूरी भरी रहती है रटंत घुटंत और लिखंत ये तीन विशेष क्वालिटी है जिससे वो बचपन से गुजरते हैं और यहाँ जब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देने आते हैं तो वही रटंत घुटंत और लिखंत लिख के चले आते हैं किसी भी घटना को ऑब्जॉर्व करके सही और गलत पक्ष डिसाइड करके लिखने की क्षमता तो ये हिंदी बिल्ट में है ही नहीं यही कारण है कि पांच तक रिजल्ट लिमिटेड है सच्चाई यही है आप इसे माने या ना माने फिर रिजर्वेशन पॉलिसी हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है आरक्षण क्या क्या कैसे कैसे दिया गया अब कुछ स्टेट्स ने कहा है कि 50 परसेंट का लिमिट हटा दीजिए बिहार ने तो महिलाओं को लेकर के उन्होंने और भी दिए हैं तो अब क्या कि जितने भी जुडिशरी के जजमेंट हुए हैं उनको जानना है अभी तक हम लोग यही जानते थे कि रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा नो रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इस इज एनली राइट अब जब ये कानूनी अधिकार है तो इसको लेकर के जितने भी जजमेंट आए हैं वो आपको जानने होंगे फिर प्रमोशन में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई इनिशिएटिव लिया वो जानना है राज्यों में रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन लग रहा है तैयार रहिए है यूपी, और बिहार का अगला क्वेश्चन यही है फिर जो एक ट्रेडिशनल है क्या उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनकी नीड उनका सोशल जस्टिस उनका से रिलेशन उनका सोशलिज्म से रिलेशन और सेंट्रल और स्टेट के पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का इश्यू कहाँ कुल मिलाकर के ये सात आठ टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे रिजर्वेशन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं तो पीटी लेवल पर एक जो कॉमन फैक्ट है वो तो बनेगा ही इसके अलावा जो करंट लेवल की जो भी एक्टिविटी है उनसे जोड़ करके सवाल बन सकते हैं और इसके ऊपर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा हमेशा की तरह कौन सा फंडामेंटल राइट टॉपिक तो है ही मूल अधिकार क्या कैसे किस तरह कहां कहा है अब इसमें प्राइवेसी को लेकर के आया इंटरनेट को लेकर आया फेसबुक को लेकर के व्हाट्सएप को लेकर और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के कई तरह की बातें उभर करके आई तो कैसे सवाल बनेंगे भाई फंडामेंटल तो राइट ऑफ प्राइवेसी इंटरनेट का लेकर के क्या आया है पद्मना स्वामी टेम्पल में जो डिस्प्यूट उभर के आ रहा है सूचना के अधिकार के पंद्रह वर्ष हुए हैं फंडामेंटल राइट और सेकुलरिज्म और माइनॉरिटीज़ पॉलिटिक्स और इनके नेशनलिज्म से कोरिलेशन कहने का मतलब है राष्ट्रवाद की विचारधारा ने मूल अधिकार को कैसे प्रभावित किया है तो भाई एक तरफ मूल अधिकार कहता है कि आप देश धर्म और जाति जो कुछ भी है आप पालन करिए दूसरी तरफ कहते हैं तीन तलाक गलत है समान नागरिक संहिता लेकर के आइए एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं पुरुषों को नहीं दे रहे हैं ये सारी घटनाएं भारत में हो रही तो इनके बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो बनाना ही है सवाल आईएस लेवल पर एक प्रश्न आपके मूल अधिकार से रहेगा दूसरा प्रश्न पद्मना स्वामी टेम्पल दे देगा दे तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे देगा दे कहने का मतलब है स्टेट में तो अभी भी सीधे, सीधे सीधे सवाल आ रहे है लेकिन कई बार को रिलेट करके आ रहे हैं मतलब एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप किताब की बातों के अलावा देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको को रिलेट करके घटनाओं को देख पा रहे हैं ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं पीटी में भी यही चल रहा है और मेंस में भी यही चल रहा है तो अगर आप अपने स्टडी को करंट अफेयर्स की घटनाओं के साथ अपडेट नहीं किए तो पीटी भी नहीं निकलेगा मेंस तो कभी नहीं निकलेगा और लास्ट टॉपिक है सारी चीजें हमेशा की तरह सी की आवश्यकता सी मतलब लगातार जानते ही होंगे इनका जो विरोध हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेनी है फिर वुमेन्स रिजर्वेशन की बात है वुमेन्स रिजर्वेशन की बात है फिर उसके बाद स्टेट की पॉलिटिक्स की अपनी विशेषताएं इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम में हैं लगभग आठ टॉपिक हैं और उसमें से 25 टॉपिक हमने यहां भी निकाला है मेंस के लिए और आठ से दस टॉपिक्स निकाले हैं पीटी के लिए तो अगर इस पर आप पीटी दे रहे हैं चाहे वो आई हो चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो तो इतने टॉपिक्स पर ध्यान देना ही होगा और जो इतने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हुए हैं उनको जोड़ करके आईएएस के पीटी को तैयार करें और स्टेट के पीटी को तैयार कर और मेंस में ये 25 टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बन सकते हैं और सारे के सारे सेंसेटिव हैं इम्पॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर से जुड़े हुए तो इनके उनको जानना है इनको समझना है इनके सभी सही और गलत चीजों को समझना है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड लिमिट में अर्थात हंड्रेड वर्ड्स टू हंड्रेड वर्ड्स टू फिफ्टी वर्ड्स और थ्री फिफ्टी वर्ड्स में समझना ही नहीं लिखना है और यही चीजें आपको दो से पांच लाइन में इंटरव्यू में बोलना है तो अगर आपके पास ये अप्रोच नहीं है खासकर हिंदी बेल्ट तो दूर दूर तक अभी भी लक्ष्मीकांत या ल्यूसेंट के अंडरलाइन करता है और घोंपता है स्टेट लेवल के एग्जाम में उत्तर प्रदेश के दस साल के अनसॉल्व को उठते हैं और घटनाओं के चक्र में फंसते रहते हैं पूरा हिंदी वेल्ड के ट्रेडिशनल तरीके के तैयारी करने हैं और यही कारण है कि 105, 107 पांच स्टेट में फंसे रहते हैं और आईएस में कहते हैं दो क्वेश्चन और हो जाता तो पीटी में हो जाता कभी भी वो सेफ 65 परसेंट मार्क्स पीटी में या मेंस में लेने की सोचते ही नहीं है बस कटअप से निकल जाए नहीं अगर आपने अपने इस ट्रेडिशनल तैयारी के पैटर्न को चेंज नहीं किया तो आपको फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर और भी टाइम लगेगा तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और पीटी और मेंस खासकर आई यूपी और बिहार का स्ट्रैटी क्या है प्लान क्या होना चाहिए और कैसे लिखना है इस सब के बारे में जो भी हमने बातचीत की वो समझ में आई होगी हम अपने अगले वीडियो में इसमें मेन्स में कैसे लिखें और किस स्टेप में कैसे लिखें वो चीजें हम डिस्कस करेंगे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट